मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सेवन चैप्टर नाइन एक्सरसाइजेस फर्स्ट है टेक द करेक्ट आंसर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर आल्सो नन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट द आंसर इज एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो जंगल पाए जाते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवुड ट्री जो नीचे पेड़ के ऑप्शंस दिए हैं इसमें से हार्डवुड ट्रीज नहीं हैं तो वो आंसर है स्प्राउस क्योंकि महोगनी और इबनोई जो पेड़ होते हैं इनकी लकड़ियां हार्डवुड होती बट स्प्राउस की लकड़ी मुलायम होती है द कॉनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर आल्सो नन एज़ फॉरेस्ट तो आंसर होगा टियागा फॉरेस्ट Uh, क्योंकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं डेसीडियस सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं इसलिए कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है वो उनको हम लोग टियागे फॉरेस्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉनिफोरस ट्री जो नीचे पेड़ों के एग्ज़ाम्पल दिए हैं उनमें से कौन सा पेड़ कॉनिफोरस ट्री नहीं है तो आंसर है रोज़वुड क्योंकि पाइन और स्प्राउस ये तुम्हारे कॉनीफॉरेस्ट ट्रीज हैं इज फाउंड टेम्परेट रीजन तो इनमें से कौन टेम्परेट रीजन में पाया जाता था? तो फीजेंट इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन कम इन द ब्लैंक्स सर्ब्स आर फाउंड इन डिजर्ट एरिया सर्ब जो होते हैं वो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड आंसर है मानसून फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है उनको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं द डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रास लैंड पाया जाता है उनको हम लोग डाउन्स बोलते हैं द स्पेसीज ऑफ एनिमल फाउंड ऑन द अर्थ आर रिफर्ड टू एज फूना अर्थ में जितने भी एनिमल्स या स्पेसीज पाए जाती हैं उनको हम लोग फूना बोलते हैं और जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक एनाकोंडा इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो बहुत बड़े सांपों में एनाकोंडा है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है अ ट्रू फॉरेस्ट इज वन ऑफ हिस ट्री ग्रो सो क्लोज टू वन ऑन अदर दैट तो आंसर इसका होगा ट्रू क्योंकि जंगल में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनकी कैनोपीज एक दूसरे से टच करती है ट्रीज सेट देर लीव्स इन ड्राई सीजन आर कंजर्व वाटर इसका आंसर ट्रू है जब पेड़ पेड़ों को पानी नहीं मिलता है ड्राई सीजन में तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं बोथ हार्विबोरस एंड कार्निवोरस एनिमल आर फाउंड इन द ग्रास लैंड ग्रास लैंड में कार्निवोरस और हार्विबोरस दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं तो आंसर इज ट्रू मोस्ट ऑफ एनिमल मोस्ट ऑफ एनिमल इन डिजर्ट रीजन इज डिजर्ट रीजन आर लार्ज इन साइज तो डिजर्ट में जो भी जानवर पाए जाते हैं वो साइज में छोटे होते हैं नेक्स्ट है आपका एनिमल फाउंड इन कोल्ड रीजन हैव थिक कोट ऑफ फर जो कोल्ड रीजन में जानवर पाए जाते हैं उनकी चमड़ी मोटी और उनके ऊपर फर पाया जाता है तो इसका आंसर है ट्रू इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप अपनी एक्सरसाइज कम्प्लीट कीजिए